चौटाला परिवार में, खानदान में, पार्टी का नाम कुछ हो, उनके दी गई वोट बीजेपी के ढोल में जाती है। वो बीजेपी की 100% बीटी में सबको पता है। चुनाव के समय पे ये अलग अलग डब्बे धराते हैं, परंतु माल बांट के खाते हैं। इस भ्रष्टाचार में बीजेपी बराबर की शामिल है। आज अच्छे परसेंटेज दिए बिना हरियाणा के अंदर टेंडर नहीं मिलता। बीजेपी की आंख थोड़ी ना बंद है, माल बांट के खा रहे हैं, ये स्पष्ट है। आज एक नेता गया, कल फिर दूसरे नेता जाएंगे, ये तो जनता के सामने फाइलें खुलती है। जब सड़क के ऊपर कुछ नहीं है, नीचे खोद के देखें तो खाली मिट्टी निकलती है। आज के अखबारों में भी हेडलाइन है, तो ये कहां जा रहा पैसा? और यही कारण है कि हरियाणा के अंदर लीडर अमीर होते जा रहे हैं और जनता गरीब होती जा रही है। जनता के पास दो वक्त के खाने की रोटी नहीं रही, और भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर 7,000 से ऊपर जिलों में एयर कंडीशन शानदार ऑफिस बन गए। स्कूल नहीं सुधरे, हॉस्पिटल नहीं सुधरे, बिजली नहीं सुधरी, पानी नहीं सुधरी, ऑफिस एयर कंडीशन बन गए, शानदार 5 स्टार की तरह ऑफिस बन गए पूरे जिलों के अंदर। कहां से आया पैसा, ये जनता जवाब मांगेगी। तो कपिल देव के शामिल होने की भी चर्चा है। जितने भी बड़े आदमी, अच्छे आदमी है, जो भ्रष्टाचार से मुक्त है, जो अपराधी नहीं है, जो चरित्र के ठीक है, वो सब इस पार्टी में आमंत्रित है। इस पार्टी के अंदर खिलाड़ी, इस पार्टी के अंदर कलाकार, इस पार्टी के अंदर सिपाही, फौजी, अध्यापक, हर कैटेगरी का लोग आ रहा है। जितना बुद्धिजीवी वर्ग है आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है, और जितना गांव है पूरा का पूरा गांव जुड़ता जा रहा है। ब्राह्मण संस्था को लेकर सांसद अरविंद शर्मा सीएम के खिलाफ और मनीष ग्रोवर के खिलाफ बोल रहे हैं जी, और काफी विवाद बढ़ रहा है, राजनीति बढ़ रही है, आप क्या देखिए? मैं ये कहूंगा, वो जो जमीन अगर ब्राह्मण संस्था की जमीन है तो वो संस्था को मिलनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जाति और धर्म की राजनीति ही करते आए हैं। आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। हम हर जाति का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, और जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, इस बात के हमेशा हम पक्ष में रहे हैं।